नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। देहरादून डोईवाला मणि माई मंदिर हाईवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसा गुरुवार देर रात करीब 2 बजे हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना और प्लाज्मा थेरेपी जैसी हर मुद्दे पर की बात। चीन के खतरे से निपटने के लिए होगी अमेरिकी सेना की तैनाती, अमेरिका विदेश मंत्री का ऐलान। कैंटर की चपेट में आने से साइकिल सवार चालक की मौत, पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ किया मामला दर्ज। विनी महाजन बनी पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी, करण अवतार को रिटायरमेंट से पहले हटाया। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन। हरियाणा सरकार ने दिया सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश, कोविड-19 के मरीजों से नहीं लें एक्स्ट्रा चार्ज। बिना परीक्षा रिजल्ट घोषित करेगी CBSE, 15 जुलाई तक होंगे सारे रिजल्ट घोषित। अब खबरें विस्तार से। देहरादून डोईवाला मणि माई मंदिर हाईवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा गुरुवार देर रात करीब 2 बजे हुआ, जब तेल का टैंकर टेम्पो ट्रैवल से टकरा गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कोरोना के हालात पर, इससे लड़ने की क्या तैयारी है, बेडों की उपलब्धता और प्लाज्मा थेरेपी जैसे हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि दिल्ली में लगभग 74,000 कोरोना केस हैं, जिसमें से 45,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका भारत अपनी सेना की टुकड़ी भेज रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे चीन के कारण उनका देश यूरोप से अपनी सेनाएं कम करके अन्य जगहों पर तैनात कर रहा है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को कैंटर की चपेट में आने से साइकिल सवार चालक की मौत हो गई। पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने जख्मी हुए साइकिल सवार चालक को प्राइवेट वाहन में सेक्टर 32 के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 1987 बैच की IAS अफसर विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं। यह पहला मौका है कि एक दो सीनियर अफसर दंपति राज्य की दोनों प्रमुख पोस्ट पर हैं। विनी महाजन के पति दिनकर गुप्ता राज्य के DGP हैं। उन्होंने वर्तमान मुख्य सचिव करण अवतार सिंह का स्थान लिया है। हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीजों से नहीं लें एक्स्ट्रा चार्ज। सरकार द्वारा दिए गए रेट पर भी टेस्ट किए जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई को CBSE परिणामों की घोषणा करेगी। विद्यार्थियों ने जो पेपर दिए हैं उनमें 3 से अधिक वालों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जिसके आधार पर बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताज़ा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश TV। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।